दोस्तों देखिए, सारा न्यूज स्कोप के लिए लगातार खबरें जारी हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। सीधा चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जितने भी सहारा के निवेशक हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों ये न्यूज हमें हमारे ज्यादा से मिल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए देखिए 18 सितंबर 2024 का ये न्यूज है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, यानी आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। तो क्या है आगे, ये देखिए, सारा में निवेश कर फंसे लोगों के लिए राहत भरी खबर, पैसों की वापसी पर सरकार का बड़ा फैसला, सारा रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की सावधान पूर्वक जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सहारा समूह की 4 बहुराज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने के लिए 18 जुलाई 2023 को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सरकार ने सहारा समूह के सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए धन वापसी की सीमा को 10,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दिया है। सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार ने अब तक सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह के सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उसके बाद देखिए अधिकारी ने कहा, रिफंड राशि की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए करने से अगले 10 दिनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड राशि की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई थी। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की ध्यान पूर्वक जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सहारा समूह की 4 बहुराज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने के लिए 18 जुलाई 2023 को सीआरसीएल सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया। ये समितियां हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारन यूनिवर्सल मल्टीप्रेस सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, तथा स्टार्ट मल्टीप्रज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। 29 मार्च 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 19 मई 2023 को सेबी सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार सीआरसीएस को हस्तांतरित की गई। डिजिटल माध्यम से धन के विवरण की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी द्वारा की जा रही है। तो फिलहाल आपने सुना, सरकार जो है लोगों का भुगतान करने के लिए जुड़ी हुई है। हो सकता है कि आपका भुगतान बहुत जल्द हो सकेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, पहले लोगों का भुगतान जो है कुछ लोगों का ऑनलाइन के माध्यम से 10,000 हुआ था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है, यानी 5 लाख तक जो है क्लेम कर सकते हैं। फिलहाल बताया जा रहा है 50,000 तक के लोगों का पैसा आ रहा है, तो बहुत जल्द लोगों का पैसा वापस मिलेगा। सरकार एक एक करके जो है डाटा खोज करके लोगों का पैसा वापस करेगी। तो आपने सुना, हाल ही 15 दिन के अंदर जो है 1,000 करोड़ रुपए का सहारा से मांगने की अपील की है। तो आगे क्या है, जो भी हमें अपडेट मिलेगी तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। भाई लोगों का भुगतान बहुत जल्द होने वाली है, तो आगे क्या है, तो भाई लोगों का भुगतान बहुत जल्द होने वाली है। जो भी हमें अपडेट मिलेगी इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूंगा। तो तब तक के लिए वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। जय हिंद।